स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS मेडिसिन पर और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, जैसा कि मैं हर रोज़ नए नए रोगों से रिलेटेड नई नई वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, ऐसे ही मैं आज भी एक नए रोग से रिलेटेड नई वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बड़ी आँत का सूजन, मतलब बड़ी आँत पर जो सूजन हो जाता है, उसके बारे में आपको जानकारी दूँगा। दोस्तों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ। अब ये मैं बड़ी आँत के ऊपर मान लो वीडियो बना रहा हूँ। बड़ी आँत पे अगर सूजन किसी के है तो आपके भी सूजन हो सकता है बड़ी आँत पे, या फिर अगर आप किसी को जानते हैं, आपके कोई भी कॉन्टैक्ट में है तो उसके भी हो सकता है बड़ी आँत पे सूजन, तो आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं यदि अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो। और अगर आप डॉक्टर हैं तब तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपके पास पेशेंट आते रहते हैं और डॉक्टर पता भी नहीं लगा पाते हैं कि मतलब किस तरीके की बीमारी पेशेंट को है। तो यदि अगर उसने हमारा वीडियो देखा होगा तो वो बहुत ही आसानी के साथ पहचान लेगा और मरीज को बता देगा कि उसकी बड़ी आँत पे सूजन है, और उसका इलाज भी आसानी के साथ कर पाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरा इलाज भी बता दूँगा। दोस्तों, मैं सारी ही वीडियो में पूरा इलाज बता देता हूँ वैसे तो, और यही मेरा एक वीडियो, मतलब ऐसा नहीं है, सारे ही मेरे वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं किसी भी रोग को अगर लेता हूं तो उसकी पूरी जानकारी आपको देता हूं, जैसे कि उसके कारण, उसके लक्षण और उसका इलाज हम किस तरीके से, किस मेडिसिन से और किस इंजेक्शन द्वारा कर सकते हैं, इस तरीके से मैं पूरी ही जानकारी आपको देता हूं। तो दोस्तों, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभदायक वीडियो है, और यदि अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो वैसे भी आपके लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो है, क्योंकि आप खुद भी पता लगा सकते हैं। यदि अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है तो आप खुद भी पता लगा सकते हैं कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, या अगर आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि मतलब मैं किस रोग से ग्रस्त हूं। तो दोस्तों, यदि अगर आपको ऐसे ही रोगों की वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक रोग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों पर। तो दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। यदि अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी मरीज के बड़ी आँत पे सूजन हुआ है तो मरीज को जो है दिन में 2 या 3 बार, या फिर जब खाना खाएगा तभी उसको शौच के लिए जाना पड़ेगा, मतलब तभी उसको मल त्याग के लिए जाना पड़ेगा। और दोस्तों, मल त्याग के तुरंत बाद ही उसकी पेट में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होने लगता है। दोस्तों, कभी कभी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है और कभी कभी नॉर्मल भी रहता है, और इसमें जो है मरीज की जो है भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, भूख जो है मर जाती है बिल्कुल भी, अगर कोई भी चीज़ खाता है तो ठीक तरीके से खाना भी नहीं पच पाता है। और दोस्तों, दिन में 3 बार 4 बार उसको दस्त ज़रूर होते हैं। दस्त दोस्तों ठीक तरीके से नॉर्मल होते हैं, ना ही ज़्यादा पतले होते हैं और ना ही ज़्यादा टाइट, मतलब नॉर्मल रहते हैं, लेकिन मल त्याग के बाद उसके पेट में दर्द होना संभव है, मतलब ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इसमें जो है उसके यकृत पे, मतलब लीवर पे बरम आ जाता है, और यहाँ पे अगर उसके दबाओगे लीवर पे तो उसके दर्द भी होएगा, मतलब उसको दर्द महसूस होता है। और दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है मरीज को, एनीमिया जैसा रोग होने की भी संभावना रहती है। एनीमिया रोग इसलिए हो जाता है क्योंकि दस्त जब उसको आते हैं तो कभी कभी मरीज के जो है मल में ब्लड मिला हुआ आता है हल्का हल्का, और कभी कभी पस जैसा, चिपचिपा पस जैसा सफ़ेद रंग का पस भी मिला हुआ आता है। और दोस्तों, ये स्थिति जो है, पस की जो स्थिति है, मरीज़ को 2 से 3 महीने 4 महीने तक भी बनी रह सकती है, और हल्का हल्का ब्लड भी आने लगता है। कुछ मरीज़ ये सोचते हैं दोस्तों कि मतलब हमको जो है बवासीर जैसी बीमारी हो गई है, क्योंकि हमारे जो है मल में ब्लड आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बवासीर ना होने के बाद भी ये जो बड़ी आँत पे सूजन हो जाती है तो उसकी वजह से भी जो है आपके जो है मल में ब्लड मिला हुआ आ सकता है, और ब्लड भी इतना भी आ जाता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो जाती है, मतलब ऐसा समझ लो कि जब तुम्हें दिन में 2 बार 3 बार ब्लड आ रहा है और ज़्यादा तादाद में आ रहा है तो कमजोरी तो हो ही जाएगी, और ब्लड कम होने की वजह से एनीमिया जैसा रोग भी बन जाता है। शरीर में आयरन की कमी आ जाती है और शरीर बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो जाता है, भूख नहीं लगती है, किसी भी चीज़ को खाने की इच्छा नहीं करती है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है,
शरीर में बहुत ज़्यादा आलसपन आ जाता है, मतलब किसी भी काम को करने का मन नहीं करता है। और अगर कोई भी व्यक्ति, मतलब अगर किसी को भी ये बीमारी है, और अगर वो कुछ खाता है तो खाना भी ठीक तरीके से नहीं लग पाता है और ना ही खाना ठीक तरीके से पच पाता है। दोस्तों, इस तरीके की सारी स्थिति होने के बाद अगर रोग उसका बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द उसके बढ़ सकता है। और अगर रोग को ऐसा समझ लो कि 6 महीने 7 महीने हो गए हैं, तो पेट में दर्द की वजह से उसकी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मृत्यु होनी भी संभव है। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण, के बड़ी आंत पे अगर किसी के सूजन है तो किस तरीके से लक्षण दिखाई देते हैं। अब मैं आपको इसके कारणों के बारे में बताऊंगा कि मतलब किन कारणों की वजह से आपकी बड़ी आंत पे सूजन आ सकता है। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। दोस्तों, इसके कारण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर आपको कब्ज रहती है तो कब्ज की वजह से भी दोस्तों आपको ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं। कब्ज के ऊपर भी मैंने अपना एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। या फिर अगर आप बैठ के काम करते हैं, कोई भी मतलब 8 घंटे 10 घंटे बैठे रहते हैं, आप बैठे बैठे कोई आपका काम है, तो उसकी वजह से भी जो है ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये रोग जो है दोस्तों 20 से 40 वर्ष की उम्र में ही होता है, या तो 20 वर्ष से आपको लग जाएगा, या फिर 30 से, या फिर 40 वर्ष की उम्र से ही आपको लग सकता है। या फिर दोस्तों टाइफाइड, अगर आपको टाइफाइड जैसा बुखार रह रहा है आपको बहुत टाइम से, तो उसकी वजह से भी ये सब लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। या फिर अगर आपको पेचिश हुई है, बहुत ज़्यादा पेचिश अगर आपको हुई है, तो उसकी वजह से भी ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। या फिर दोस्तों आपको जेनेटिक फैक्टर अगर हुआ है तो उसके कारण की वजह से भी जो है आपको ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं। और कोई भी इसका ऐसा कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है जिसकी वजह से ये होता है। कभी कभी देखा जाता है कि मतलब कोई भी बीमारी, किसी भी कोई भी बीमारी अगर आपको नहीं हुई है तो भी इस रोग के लक्षण देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, इन सब लक्षणों की जानकारी होनी ज़रूरी है। असल में तो हमें रोगों की जानकारी होनी ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं कि हमारे शरीर में भी कौन सा रोग पनप रहा है। अगर हमें जानकारी होगी तो हम जो है अगर किसी और को भी बता सकते हैं कि तुझको ये बीमारी है, या फिर अपने अंदर खुद भी देख सकते हैं कि मुझको ये बीमारी है, ना कि किसी और के कहने में आए कि मतलब बीमारी कुछ और इलाज किसी और चीज़ का चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे इसके कारण, जिन कारणों की वजह से आपको जो है ये सब लक्षण देखने को मिलते हैं, बड़ी आंत पे सूजन आ जाता है। अब मैं आपको इसके इलाज के बारे में बताऊंगा कि आप इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको और भी किसी रोग से रिलेटेड कोई भी बात मुझसे पूछनी है, या फिर और कोई भी रोग से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। या फिर अगर कोई बात मुझसे पूछनी है किसी भी रोग से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड, तो मैं अपना व्हाट्सएप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझसे चैट करके या फिर फ़ोन करके किसी भी रोग के बारे में, किसी भी मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। दोस्तों, इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि यदि अगर किसी की भी बड़ी आंत पे सूजन है और जो मैंने लक्षण बताए हैं वो सब लक्षण उसको देखने को मिल रहे हैं, तो डेपिंडाल एम टेबलेट आती है दोस्तों, आप मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को जो है सुबह और शाम करके दे सकते हैं। या फिर लोप्रोमाइड टेबलेट आती है, आप इसके साथ मिला के लोप्रोमाइड टेबलेट या फिर लोप्रोमाइड कैप्सूल भी दे सकते हैं। या फिर दोस्तों नोटिजेड टैबलेट आती है, नोटिजेड आप मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों लोप्रोमाइड कैप्सूल और ओजेड टैबलेट मिला के आप जो है मरीज को जो है सुबह शाम करके दे सकते हैं। या फिर दोस्तों इन सब टैबलेटों के साथ अगर आप इनमें से कोई भी, जो ऊपर मैंने टैबलेट बताई है, आप इनमें से एक टैबलेट कोई भी लेकर के एसीलोक या मेट्रोजिल, एसीलोक 150 या 300, या फिर मेट्रोजिल 200 या 400, इनमें से कोई भी टैबलेट आप उनके साथ लगा सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर मरीज़ के बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ ज़्यादा है, तो उसमें जो है जीरोडोल टैबलेट आती है। जीरोडोल टैबलेट आप मरीज़ की आवश्यकता अनुसार मरीज़ को सुबह, दोपहर, शाम करके दे सकते हैं। या फिर जीरोडोल एसपी टैबलेट आती है, वो भी आप जो है मरीज़ की आवश्यकता अनुसार मरीज़ को दे सकते हैं। दोस्तों, ये थी इसकी टैबलेट, के आप इनमें से कोई भी एक टैबलेट ले कर मरीज को जो है दे सकते हैं मरीज़ की आवश्यकता अनुसार। अब दोस्तों मैं इसके इंजेक्शनों के बारे में आपको बताऊंगा कि आप इसमें कौन सा इंजेक्शन यूज कर सकते हैं।
दोस्तों मीकासिन इंजेक्शन आता है 100 mg में, 250 mg में और 500 mg में अरिस्टो कंपनी का। आप जो है इसमें से कोई सा भी इंजेक्शन मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं, या फिर दोस्तों इसके साथ मिला के आप पेंटोप इंजेक्शन आता है, वायर आती है पेंटोप 40 की, आप जो है वो भी जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों मेगापेन इंजेक्शन आता है, मेगापेन इंजेक्शन 1 ग्राम में, 500 mg में, 250 mg में आता है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके इलाज के, आप जो है अगर किसी की बड़ी आँख पे सूजन है तो आप उसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि इन सब मेडिसिन का उपयोग जो है आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर, या फिर अगर आप खुद डॉक्टर हैं आपको नॉलेज है तो आप मरीज की आवश्यकता अनुसार, या फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा, आप मुझसे बूझ के जो है इन सब मेडिसिन का उपयोग करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ